नीमच में पीड़ित परिवार को दहेज प्रताड़ना का एक ऐसा प्रकरण वापस उठाने के लिए जान से मारने की धमकी और अफीम और झूठे केस में फंसाने की धौंस धपट देने का मामला सामने आया है। पीड़ित ओम प्रकाश रेगर ने बताया कि उसकी बेटी प्रियंका की 23 अप्रैल 2016 को राहुल के साथ शादी हुई थी। वहीं ससुराल पक्ष ने लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया। वहीं इस पूरे मामले में बघाना थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया था। उसी केस को वापस लेने के लिए ससुराल वाले धमकी दे रहे हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है सर कि मेरी बेटी का विवाह करीबन 3 वर्ष पूर्व रोपरा गांव में हुआ था। रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज से हमने, मेरी हैसियत के अनुसार मैंने विवाह करा था। इसके बाद कुछ टाइम तक उसको अच्छा रखा, फिर 2 लाख रुपए की मांग करने लगे। मांग करने के बाद ज़्यादा अधिक प्रताड़ित करने लगे, तो इसके बाद में उसको छोड़ दी। उस व्यक्ति के जिससे इसकी शादी हुई थी उसके संबंध बड़ावली गांव में किसी मंजू भाई से अवैध संबंध थे, तो उसके हिसाब से वो परेशान कर रहा था। परेशान करने के बाद सामाजिक फैसला भी हमने करवाया बहुत सी बार, साल भर से सामाजिक, समाज के कुछ ठेकेदार और गुंडों द्वारा, गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने सामाजिक फैसले को भी बिगाड़ दिया। सामाजिक फैसले को बिगाड़ने के बाद समाज ने जो न्याय करा उसमें वो कभी समाज के बीच में नहीं आया, समाज से भागता रहा। वो आज भी समाज के बीच में न्याय करवाने नहीं आ रहा है। उसके साथ गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, उसके साथ तस्कर लोग भी हैं, जो वो आए दिन, हमने दहेज प्रताड़ना का केस उसके ऊपर दायर करवाया, 4-5 जो है धारा उसके ऊपर लगी हुई है, जो प्रकरण चल रहा। उसके बाद में वो मेरी बेटी और मैं परिवार को बार बार आकर धमकियां दे रहा है। एक सामाजिक कार्यक्रम हमारा जाना आना कहीं पे भी इसके भय से जाना आना बंद है। बेटी की स्थिति आज की तारीख में 1.5 वर्ष से यह स्थिति है, एक तरफ मेरी मिसेज बेटी रहती, एक तरफ मेरे को बैठा रहना पड़ता है क्योंकि बच्ची। पाली जिले के सुमेरपुर में कोई जीत के बाद रैली वो कार्यक्रम आयोजित करता है, लेकिन कांग्रेस ने नगर पालिका में चुनाव में हुई हार के बाद भी गुरुवार को जुलूस निकाला। इस जुलूस को लेकर शहर में चर्चा का विषय बन गया। नगर पालिका चुनाव में इस बार 35 में से कांग्रेस को केवल 9 सीट ही मिली थी, जबकि भाजपा को 18 व निर्दलीय को 8 सीट मिली है। इस बार बहुमत से दूर होने के बावजूद भी कांग्रेस नगर पालिका बोर्ड पर कब्जा जमाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। कुचामन कस्बे में पिछले 1 हफ्ते पूर्व सड़क दुर्घटना में महाराष्ट्र राज्य के 13 लोगों की आवारा गोवंश की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं आज देखा गया कि कुचामन शहर में मेगा हाईवे पर आवारा गोवंश का झुंड बैठे रहते हैं। देश और प्रदेश की इस सबसे बड़ी समस्या को लेकर ना तो सरकार कोई और इस ओर ध्यान दे रही है, न ही स्थानीय प्रशासन। पिछले 1 सप्ताह से करीब 2 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है, उसके बावजूद भी अभी तक आवारा गोवंश सड़कों पर घूम रहे हैं। कुचामन एक शिक्षा नगरी है और इसमें 50,000 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। आए दिन गोवंश के कारण से बच्चों को कई प्रकार की घटनाओं से, परेशानियों से सामना करना पड़ता है। बच्चों में भय व्याप्त होता है, बच्चे डरते हुए अपने संस्थाओं में पहुंचते हैं। तो इसका समाधान भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर के इसका कर सकती है, जिससे कि वो जो 3 साल के बच्चों पर जो रोक लगी है उस रोक को हटाया जाए, ताकि किसानों के तो पशुपालन व्यवसाय बढ़ेगा, उससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और किसान प्रत्येक अपने गाय बछड़े को पालेंगे, ताकि इन सड़कों पर जो घटनाएँ घटित हो रही हैं, जो कुचामन में भी अव्यवस्था उनके कारण से फैल रही है, सड़कों पर उनके कारण से गंदगी और कचरा फैल रहा है, इससे बीमारियां फैल रही हैं, तो उन पर रोक लगेगी। तो निश्चित है कि यदि भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर के इस पर 3 साल के बच्चों की रोक हटाए, तो निश्चित है इन बच्चों का बहुत ही अधिक अच्छा उपयोग हो सकेगा, उनको भी सुरक्षा मिल सकेगी और हर व्यक्ति अमन चैन से रह सकेगा और शिक्षा का क्षेत्र और अधिक यहाँ ऊंचाई में बढ़ेगा। खबरों में बात करते हैं जनपद उन्नाव के, जहां पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बराबर जनता को जागरूक कर रहा है उन्नाव प्रशासन। वहीं यातायात पुलिस ने छात्र छात्राओं के साथ मिलकर फिर निकाली जागरूकता रैली। पुलिस द्वारा स्काउट जीआईसी के छात्र छात्राओं के साथ निकाली गई यातायात जागरूकता रैली,
पुलिस कप्तान व एसपी के निर्देश पर निकाली गई थी यातायात रैली। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की गई, जहां डुमरियागंज विधायक राघविंदर प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 7 नवंबर को डुमरियागंज कस्बे में पूरी भव्यता के साथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। डुमरियागंज में 7 दिसंबर को शुभ मुहूर्त पे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह का कार्यक्रम होना है। डुमरियागंज में पिछले 2 बार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत भव्य स्वरूप में शादियां कराई जा चुकी हैं और इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार कुछ और भव्यता के साथ शादी समारोह का आयोजन हो। डुमरियागंज की विशेषता है, डुमरियागंज का हर व्यापारी इस समारोह में भव्यता प्रदान करने के लिए स्वयं उपस्थित रहता है, आशीर्वाद स्वरूप कुछ न कुछ उपहार भी देता है। यहाँ के लोग यह एहसास कराते हैं कि यह शादी हमारे घर की है, इसीलिए उस भव्यता को और बढ़ाने के लिए आज की संभ्रांत नागरिकों के साथ, अधिकारियों के साथ यह बैठक आयोजित। विजय जी, कल महाराष्ट्र में 3 दल की सरकार बनी है, उस पर आप क्या कहेंगे? कहना क्या है, जब विचारधारा को तिलांजलि देकर के सत्ता के लिए गठबंधन अगर कोई करता है, ये बाला साहब ठाकरे का जो सिद्धांत था, आज बाला साहब ठाकरे के यहाँ लोग जाते थे दरबार में, आज बाला साहब का उत्तराधिकारी लोगों के दरबार में जाकर के घुटने टेक रहा है, तो ये स्पष्ट सिद्ध होता है कि आने वाले दिनों में इनका अस्तित्व ही मिट जाएगा और फिर चुनाव अगर आज की तिथि में हो जाए तो जनता सारा तमाशा देख रही है, जैसे कहावत है जनता सब जानती है, तो शिवसेना जैसी संगठन तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। सर, 1 दिसंबर को सुन्नी वक्फ बोर्ड पुनः याचिका दायर करेगी, इस पे क्या कहेंगे आप? वो स्वतंत्र हैं याचिका दायर करने के लिए, लेकिन देश के अधिकांश मुसलमान, बहुतायत मुसलमान, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस फैसले का स्वागत किया है और अगर स्वागत न करता तो पूरे देश में इतनी शांति नहीं रहती। रतलाम जिले के बड़ाइला माताजी गांव में सुबह सुबह ही एक जानवर ने 2 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भिजवाया गया। वहीं गांव में घुसे जानवर बाद में घबरा कर एक मकान में जा घुसा। गांव के लोग और अधिकारियों का कहना है कि जानवर तेंदुआ है, उसे पकड़ने के लिए इंदौर से वन विभाग की टीम बुलाई गई है। मेरठ के SSP कार्यालय के बाहर आज 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद हो गया। इसके बाद मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने दोनों पक्षों के बीच बचाव करवाया। एक मामला संज्ञान में आया है कि एक लड़का और लड़की दोनों साथ कहीं गुमशुदगी का मामला पंजीकृत करा गया है दौराला में। ये लोग आपस में मिलने आए थे और बताया गया कि सड़क पर आपस में इन दोनों परिजनों में कहासुनी हुई। लड़के वालों ने आरोप लगाया कि तुमने मेरा लड़का गायब कर दिया और लड़की वालों ने लड़की के संबंध में आरोप लगाया। महिलाएं थी वहां पर शामिल, तत्काल वहां पुलिसकर्मी पहुंचे, महिला पुलिसकर्मी पहुंची, उनको अलग अलग किया गया और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मोंडा पांडा की, जहाँ पर दिल्ली लखनऊ हाईवे का वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग वायरल वीडियो के साथ लिख रहे हैं तरह तरह की बातें। हकीकत में वीडियो वायरल मोंडा पांडे थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस को देख बैलगाड़ी चालक बुग्गी छोड़कर भाग गया था। बीच सड़क पर खड़ी बुग्गी पुलिस कर्मियों ने सड़क से हटाकर पुलिस चौकी तक ले जाते समय किसी ने वीडियो उनका बनाकर वायरल कर दिया था।